आज जो सैलाब सेड़ी ख्वाजा खाड़ी बुड्ढा नाले में आया है, उसकी वजह से ये मकान मोहतरम हाजी मोहम्मद शौकत बंद हाजी नूर मोहम्मद कालस का पूरा मकान के अंदर पानी चला गया है और बड़ी तबाही हुई है इनके मकान की, और बाकी भी जो साथ में खेत वगैरह हैं उसका बहुत भारी नुकसान हुआ है। अल्लाह पाक सबके घर बार की हिफाजत फरमाए। ये सेड़ी ख्वाजा वार्ड नंबर 1 और 5 का एरिया है, इसमें भारी नुकसान हुआ है नाले की वजह से। देखिए ये गांव सेड़ी ख्वाजा हाड़ी बुड्ढा के तरफ से जो नाला आया है, इसकी वजह से नूर शौकत हुसैन वल नूर मोहम्मद कालस का मकान इसकी जद में है। इससे पहले भी 2 साल से बार बार पानी आ रहा है, और इस एक मकान नहीं, इसके आगे दूसरा मकान है मोहम्मद अकरम का, और उससे नीचे हुरमिन डक्की की मार्केट है, और दीगर इस इलाके में बारिश से सैलाब से फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों की ज़मीनों का हुआ है, ख़ास करके सेड़ी ख्वाजा वार्ड नंबर 1-2 के अंदर, और दीगर काफ़ी नुकसान है, लेकिन वो सब नुकसान अपनी जगह हैं। लेकिन ये जो नाले के करीब में आटा पीसने की चक्कियाँ हैं, उनकी जो कूल थी वो बह गई हैं, और ये शौकत हुसैन का मकान तो रहने के काबिल नहीं रहा है। लिहाजा इंतज़ामिया से और डिप्टी कमिश्नर साहब से LG इंतज़ामिया से गुजारिश है, वो इस नाले की तरफ खुसूसी तवज्जो दे, और जो इस पे पुल बह गया है, जो दारुल उलूम अज़ीज़िया अहले सुन्नत की तरफ और मदरसा कासिमुल उलूम की तरफ और दीगर स्कूल और हॉस्पिटल की तरफ जाता था, उसको भी दुरुस्त करने के बनाने की तरफ तवज्जो दे इंतज़ामिया। और ख़ास करके जो ये मकान जद में है, वो एक गरीब शख्स है, ये मकान अब उसके रहने काबिल नहीं रहा, लिहाजा उसके आगे बांध वगैरह क्रेट वगैरह का इंतज़ाम किया जाए ताकि ये मकान बच सके।